सुना मैं चंदम दोस्तों फरमाया बाबा बक्कर दल हैल्लजी लायम आयत नंबर 58 सूरतुल फुरकान 19वां पारा भरोसा रख मेरे महबूब उस जिंदा जात उते जिस दे उते मौत कदे नहीं आउणी उच्च लगना एक बारी ले लो कौणे हिम्मत नाल कौणे हजरत हुसैन अलैहि सलातो वसलाम दे बारे च अल्लाह फरमाया हैरान हो रहे केड़े तरीके नाल अल्लाह इन्हां मुर्दां नूं जिंदा कर सी तरीका मेरा होणा मैनू तरीके दा पता नहीं अल्लाह फरमांदा फामातहु अल्लाहु मियतां अल्लाह हजरत हुसैन अलैहि सलाम नूं 100 साल वास्ते मौत दे दित्ती है सम्मा बासा 100 साल बाद अल्लाह जिंदा करके उठाए है अल्लाह फरमाए मेरे पैगंबर काला कम लबिसता दो तोहफे देने ना सुभान अल्लाह मेरी जिंदगी का पता नहीं वफा करे ना करे दो तोहफे ले लो कम लबिसता मेरे प्यारे कितनी देर तुम इतने गुजर गई है अल्लाह देर जी जिंदा करके उठाया असर ते वीगर दा टाइम होया खलोते अल्लाह पूरा दिन भी नहीं बनता चंद घंटे बनने अल्लाह फरमाया ना मेरे पैगंबर कौल अल्लाह भी समया तो दो ग्रुप बने हुए मंडी बहुदीन शहर में एक जमात वाले आखे एक हिस्सा अल्लाह के पैगंबर का नहीं ते दूई जमात आखे नहीं अल्लाह के पैगंबर का किसा मैं पहुंच गया बयान वास्ते साथी आखन लगे मौलाना तुसा कोई दलील लियो मैं कह चुके साडा एक सिलसिला दौरे तफसीर वाला मियां वाली दे अंदर मैं दलील अल्लाह दे कुरान विचों देनी है ये तोहफा दोस्तों देन लगा तुसा भी कबूल कर लो ये किस्सा अल्लाह दे पैगंबर दा है दलील कुरान विचों देन लगा मैं फकीर आज दी दलील सुने है अल्लाह फरमाया कितनी देर तुहानू गुजरी है अल्लाह एक दिन गुजरा होना है नहीं नहीं चंद घंटे गुजरे होने ना अल्लाह फरमाया ना बल्ला भी समय तुहानू 100 साल इत्थे गुजर गए है मेरा दावा है ये किस्सा अल्लाह दे पैगंबर दलीले वे जिस नाल डायरेक्ट अल्लाह गल करे ओ अल्लाह नाल गल करे ओ अल्लाह दा नबी होना है ओ कौन होंदा है जिस नाल डायरेक्ट अल्लाह गल करे ओ डायरेक्ट अल्लाह नाल गल करे ओ आम बंदा नहीं होंदा ओ कौन होंदा है अल्लाह दा मेरे पैगंबर रोटी तो नहीं की रोटी भी आई ते पानी भी आई अल्लाह करीम फरमाया फंजुर इला तामे का शराबे का लम यतसन्ना काश मेरी जबान अरबी होती तर्जमे का हक अदा नहीं हो सकता मैं जुमला सुनावन लगा सुभान अल्लाह खान वासे दोस्तों ने त्यार रहने अल्लाह फरमाया रोटी नु चेक करो मेरे प्यारे पैगंबर पानी नु वेखो जिस वेले रोटी खोल देन पानी दा बर्तन वेख देन अल्लाह करीम ने फरमाया लम यगसन्ना 100 साल गुजर गए रोटी गर्म पई है पानी ठंडा पई है तो सा दोस्त का पता नहीं के ख्याल हो सी मेरा की दे अल्लाह रख सकता है अल्लाह इन मालूम हो दे के तंदूर विच होने गरम गरम रोटी कठी होवे ते नंबर दो इन मालूम हो दे होने के फ्रिज विच पानी ठंडा कर के रखे होवे लम यगसन्ना इजाजत दे तो दो मसले सुनावा 100 साल गुजर गए अल्लाह ने प्यारे पैगंबर का जिस्म मुबारक जमीन दे थल्ले नहीं जमीन दे उत्ते है जागदे बैठे हो थल्ले ना रोटी भी नाल पई हुई है पानी भी नाल पिया हुआ है
अल्लाह दे पैगंबर ने रोटी खादी नहीं पानी पीता नहीं। चुप कर ले। रोटी खादी नहीं, ये भी है लम यदा सन्ना ते तुसा ए पंजाब वाले केड़े मसले याद कीती वदियो में मुर्दे खांदे नु। चुप कर बैठो, वे खाना नहीं है ये तो गल नहीं वाला। चुप कर बैठो, मुर्दे की भी खांदे नु। फानजुरे इला तामे का वशरा मे का लम यदा सन्ना सौ साल तक जिस्म मुबारक महसूस भी हो लेकिन रोटी खाती नहीं पानी पीता नहीं। बुखारी शरीफ के लफ्ज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा जिस वेले इब्राहिम फौत होने लगे हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के नाम से आपने बेटे का नाम इब्राहिम रखा है। जिस वेले फौत होया कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लहू मुर्ज़ियन फिल जन्ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अल्लाह ने मेरे बेटे मासूम इब्राहिम वास्ते जन्नत के अंदर दाई मुकरण की जन्नत के अंदर मुंडुस पिवा रही है। मसला आमना बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा गया है कि मौत तो बाद ये दुनिया वाला जिस्म खाता ही नहीं होगा पीता ही नहीं होगा। मौत तो बाद जरा रिस्क मिलता है वो जन्नत वाला रूहानी रिस्क होता है। और मसला भी समझ आ गया जेड़ा रोटी जेड़ा पानी पैगंबर दे जिस्म दे अंदर जावन वाला होवे अल्लाह का रोटी दे पानी खराब नहीं होवन देंदा। पैगंबर दा जिस्म किवें खराब हो सकदा है? मेरा भी अकीद है, मेरी जमात इशादु तोहीद व सुन्ना दा अकीद है। सुबह दा मौसम होवे बहार दा वक्त होवे सुबह दे टाइम शबनम दे थोड़े थोड़े कतरे गुलाब दी फुल दी पत्तियां दे उत्ते पए होवे ना जिस वेले बंदा बहार दी रुत दे मौसम विच सुबह सवेरे गुलिस्तान दे बाग जावे रब्बे काबा दी कसम सुबह सवेरे मौसम बहार विच शबनम दे कतरा समय गुलाब दा फुल इतना तरोताजा नहीं होगा जितना वफात तो बाद नबियों दा जिस्म तरोताजा होगा।